प्रदेश भर में इन दिनों कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नज़र है कि किसी प्रकार की नकल नहीं की जाए। लेकिन आज बाड़मेर जिले के धोरीमना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीठड़ा में सामूहिक नकल करने का मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षा विभाग के उड़न दस्ते ने 81 परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र जब्त कर पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग बीकानेर को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि बोर्ड फ्लाइंग टीम 3 ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीठड़ा स्कूल में प्रश्न पत्र पेपर पर आंसर लिखे पाए जाने पर स्टूडेंट के पेपर व कॉपियों को जब्त किया है। वहीं स्कूल केंद्राधीक्षक व वीक्षक के खिलाफ विभागीय जाँच शुरू कर दी है। वहीं केंद्राधीक्षक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव को चिट्ठी लिखकर उड़न दस्ते पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग के अनुसार शुक्रवार को 12वीं क्लास की हिंदी परीक्षा का पेपर चल रहा था। ऐसे में सूचना मिली थी कि धोरीमना कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीठड़ा में सामूहिक नकल चल रही है। विभाग ने फ्लाइंग टीम को भेजा। फ्लाइंग टीम के पहुंचने पर सेंटर को चेक किया गया। सेंटर पर एग्जाम दे रहे 81 स्टूडेंट के प्रश्न पत्र पर अलग अलग प्रश्नों के आंसर पेन और पेंसिल से लिखे हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जिला शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है, ये हम आपको सुनाते हैं। बाड़मेर वासियों के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर बाड़मेर में खुलने जा रहा है मरुधर सुपरमार्केट, स्टेशन रोड बाड़मेर। एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा किराना से लेकर घरेलू उत्पाद, होम फर्निशिंग, रेडीमेड कपड़े, किचन का सारा सामान और भी बहुत कुछ। 10 अप्रैल 2022 को 9:15 बजे शुरू होने जा रहा है मरुधर सुपरमार्केट, स्टेशन रोड बाड़मेर। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। कैंडिडेट की शिकायत आई थी कि मीठड़ा पूर्व जो परीक्षा केंद्र है सीनियर सेकेंडरी का, वहाँ पे नकल हो रही है और कुछ शिक्षक जो है नकल प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। तो इसके तहत हमने आज सुबह फ्लाइंग स्क्वाड नंबर 3 को सेंटर पर भेजा हमने, और वो सेंटर वहाँ करीब 11 बजे पहुँचा और सभी कमरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण द्वारा करीब 81 बच्चों के प्रश्न पत्र पर आंसर लिखे हुए पाए गए। संबंधित फ्लाइंग संयोजक ने CS को बुला के, ACS को बुला के वो प्रश्न पत्र इकट्ठे करके दिए और उनको अलग कहा कि ये सामूहिक नकल का प्रकरण है, प्रश्न पत्र पे आंसर नहीं लिखे जाते, सिर्फ रोल नंबर ही लिखे जाते हैं। वो समस्त उनको सौंप दिया है। फैक्चुअल रिपोर्ट हमारे पास फ्लाइंग स्कूल 3 की आ चुकी है और हम सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आज ही भेज रहे हैं। अच्छा सर, कितने शिक्षक थे ऐसी की बात सामने आई अभी, वहाँ पूरे स्कूल शिक्षक वगैरह सबका लिखा है फैक्चुअल रिपोर्ट में? फैक्चुअल रिपोर्ट में CSACL मुख्य सेंटर का जिम्मेदार होता है सेंटर सुपरिटेंडेंट, वो मुख्य थे CS और ACS होता है। अभी वही रिपोर्ट है, उसके बाद हम सारी रिपोर्ट मंगा रहे हैं कितने शिक्षक थे, कौन कौन शिक्षक किस कमरे में था, वो रिपोर्ट हम। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को समर्पित राजस्थान का नंबर 1 शिक्षण संस्थान दे रहा है हजारों विद्यार्थियों के सपनों को आकार। आज सक्सेस पॉइंट ऐप से हजारों विद्यार्थी घर बैठे रीड, सेकंड ग्रेड, स्कूल व्याख्याता और लैब असिस्टेंट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस नवरात्रि छात्रों की विशेष डिमांड पर सक्सेस पॉइंट लाया है नवरात्र स्पेशल ऑफर। अब पाए सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 30% की भारी छूट, साथ ही संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स, PDF क्लास नोट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, कोर्स परचेज करने के लिए आज ही डाउनलोड करें सक्सेस पॉइंट बाड़मेर ऐप।